एक लड़का जो गलती से पैदा हो गया और दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बन गया। क्या आप जानते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज के टाइम पर जिंदा नहीं होते। उनकी मॉम ने ये बताया था, जब वो प्रेग्नेंट थी तब वो डॉक्टर के पास में गई थी अपना अबॉर्शन कराने के लिए, क्योंकि उनके पास में इतने पैसे नहीं थे कि वो दूसरे बच्चे की परवरिश कर सकें। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फैमिली की ये खुशकिस्मती थी कि डॉक्टर ने उनका अबॉर्शन नहीं किया, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मोम के पास में अबॉर्शन कराने के लिए पूरे पैसे नहीं थे। फिर उन्होंने अपने पुराने तरीके से इस बच्चे को दुनिया में न लाने की पूरी कोशिश की। फिर उन्होंने खूब शराब पीनी शुरू कर दी और खूब एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं हो सका। सारी कोशिशें करने के बाद फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म हुआ। बिकॉज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मोम को ये समझ आ चुका था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इस दुनिया में आना ही जरूरी था, और उसके बाद में जो हुआ वो आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट को भी यूट्यूब की दुनिया में पीछे छोड़ देंगे। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि 24 घंटे में आपने कुछ नया सीखा हो या ना हो, लेकिन इस वीडियो के लास्ट तक जाते जाते आप बहुत कुछ नया सीख जाओगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना यूट्यूब पर एक चैनल बनाया है, और इस चैनल के बनते ही इस चैनल ने बड़े बड़े यूट्यूबरों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना यूट्यूब चैनल बनाकर बड़े बड़े यूट्यूबर का तो रिकॉर्ड तोड़ा ही है, बल्कि बहुत सारे यूट्यूबरों को ब्रेक भी किया है। लेकिन यहाँ पर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है, क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो मिस्टर बीस्ट को भी पीछे छोड़ देंगे। इस सवाल का जवाब आपको वीडियो में आगे जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जब अपना यूट्यूब चैनल बनाया तो उनके चैनल पर किस तरह से सब्सक्राइबर की बाढ़ आ गई थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जब अपना यूट्यूब चैनल बनाया तो उन्हें 22 मिनट के अंदर ही सिल्वर प्ले बटन मिल गया था, और 90 मिनट के अंदर ही उन्हें गोल्डन प्ले बटन मिल गया था। उन्हें 11 घंटे के अंदर ही डायमंड प्ले बटन भी मिल गया था, और ये अब तक यूट्यूब की हिस्ट्री का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल है। मिस्टर बीस्ट आज का टाइम पर इन्हें भी बहुत सारे लोग जानते हैं, और ये यूट्यूब की दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं। इन्हें अपने यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने में सालों लग गए थे, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सिर्फ 10 घंटे के अंदर ही 10 मिलियन सब्सक्राइबर कर लिए थे। और आज हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, इसके लिए उन्होंने जितनी मेहनत की है ना, उसके हिसाब से ये बहुत कम है। और लोगों ने तो इस बात का तमाशा बना करके रख दिया है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। जानते हो, सबके लिए बड़ी बात तो तब है जब कोई एक आम इंसान आए जिसे कोई जानता भी नहीं हो, वो एक ही दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर ले, और उसे सिल्वर प्ले बटन भी मिल जाए और डायमंड प्ले बटन भी मिल जाए, तब होगी ये सबके लिए बड़ी बात। भाई, एक अनजान इंसान आया, उसने एक ही दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर लिए, उसे सिल्वर प्ले बटन भी मिल गया, उसे गोल्डन प्ले बटन भी मिल गया। शायद मेरी ये बात आपको कड़ी भी लगेगी, पर द रियलिटी इज कि यही सच है। आप अक्षय कुमार, शाहरुख खान, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनके लिए दुनिया में नहीं आए हो। उन्हें देखकर तालियां बजाने के लिए तुम पैदा नहीं हुए हो। अल्लाह ने, भगवान ने, इस प्रकृति ने इस दुनिया में तुम्हें दूसरों के लिए ताली बजाने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि तुम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए पैदा हुए हो। अपने करियर, अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए पैदा हुए हो। देखो, दूसरों के लिए तालियां बजाने से ना ही तो तुम्हारा जीते जी कोई फायदा होगा, और ना ही मरने के बाद कोई फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मोम उन्हें इस दुनिया में नहीं लाना चाहती थी, लेकिन जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो पैदा हुए तो उन्होंने खुद को एक बेहतर इंसान बनाया, खुद के पैशन को फॉलो किया, और रात दिन वो उसी में लगे रहे। और आज वो इंसान हर उस नाकाम इंसान के लिए एक बड़ी सीख है जो दूसरों की खुशी में तालियां बजाता है, भले ही चाहे उसकी जिंदगी टपकती छतों के नीचे गुजर रही हो। व्यूज के चक्कर में आकर बहुत सारे यूट्यूबर आपको बस यही बताए जा रहे हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, लेकिन जो एक्चुअल बात है जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, उस बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की लाइफ से आपको क्या सीखना चाहिए, इस बारे में आपको कोई कुछ नहीं बताएगा। जो भी कोई है बस सिर्फ अपने ही फायदे के बारे में सोच रहा है। लोग अजीब अजीब बात कर रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ी न्यूज है, लेकिन अगर मैं रियलिटी बताऊं तो ये कोई इतनी बड़ी न्यूज नहीं है। ये जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर मिले हैं, इन सब्सक्राइबर को पाने के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मिलियंस ऑफ टाइम खुद को बेहतर बनाने में लगाया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 50 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए ये कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खुद को जो ब्रांड बनाया है, खुद पर जो काम किया है, वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की असली अचीवमेंट। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खुद पर इतनी ज्यादा मेहनत की है ना, कि उन्हें पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाकर कोई भी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो खुद पर इतनी मेहनत करते हैं, खुद को इतना फिट रखते हैं कि डॉक्टर भी इन पर रिसर्च करते करते परेशान हैं। एक बार एक डॉक्टर ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर एक रिसर्च की तो उन्हें ये पता चला कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अंदर ऐसी एनर्जी है, वो ऐसा है जैसे 19 साल के जवान लड़के के अंदर होती है। जो 19 साल के लड़के के अंदर कॉन्फिडेंस होता है,
जो उसकी हड्डियों में जान होती है, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एज 39 है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने बेटे के हाथ में मोबाइल नहीं देते हैं, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पता है कि उनके बेटे की उम्र अभी खेलने कूदने की है, पढ़ाई करने की है। क्योंकि जो इंसान कोका कोला की जगह पर पानी पीने के लिए लोगों को प्रेरित करता है, भला अब वो इंसान अपने बच्चों को फोन का एडिक्शन कैसे लगने दे सकता है। इवन क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने बेटे से ये भी बताते हैं कि उन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कभी ये नहीं चाहते कि उनका बेटा अमीरी और अच्छी सुविधाओं के चलते जिद्दी और आलसी बने, बल्कि वो अपने बेटे को ज्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट करते हैं, जैसा उन्होंने खुद की थी। अब तुम खुद सोचो जरा, इतनी मेहनत करने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सिर्फ 50 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर मिले हैं, और आगे कितने मिलेंगे ये किसी को कुछ नहीं मालूम। तो क्या ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए ज्यादा बड़ी बात होगी? ऑब्वियसली नहीं। यूट्यूब पर कुछ यूट्यूबर ऐसे भी हैं जिनके 200 से 300 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से कम फेमस हैं। फॉर एग्जांपल आप सोच करके देखो, आप किसी भी काम में खूब मेहनत करते हो खूब पैसा कमाने के लिए, आपने उस काम में 5-6 साल लगातार खूब मेहनत की और उसके बाद में आपको क्या मिला? सिर्फ 1 लाख रुपए, वो भी 5-6 साल के बाद। तो क्या आप इन 1 लाख रुपए में खुश हो जाओगे? मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप बिल्कुल भी खुश नहीं होगे। अब तुम खुद ही सोचो, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए इतनी बड़ी बात कैसे हो सकती है? हाँ, ये हमारे तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए ये इतनी बड़ी बात नहीं है। उन्हें पता है कि इस दुनिया में कामयाब होने के लिए क्या करना है, और उन्हें ये भी पता है कि इस दुनिया में उन्हें कितने ज्यादा लोग पसंद करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सोशल मीडिया के वो पहले इंसान बनेंगे जिनके सोशल मीडिया पर 1 मिलियन से भी ज्यादा फैन फॉलोइंग होगी। मैं तुम्हें एक इंसिडेंट से बताता हूँ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक पुरानी गर्लफ्रेंड थी एरिना शायक, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ में 2010 से लेकर 2015 तक थी, और 2015 के बाद में ये सेपरेट हो गए। एरिना शायक के इंस्टाग्राम पर 15 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स थे, लेकिन जब ये सेपरेट हुए तो एरिना शायक ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली थी, अगर आप मुझे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड के तौर पर ही जानते हो तो आप मुझे अनफॉलो कर दीजिए। और फिर क्या हुआ, उन्हें एक ही दिन में 11 मिलियन लोगों ने अनफॉलो कर दिया था। तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की असली पहचान, ये पहचान बनाई थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। इंडिया के अंदर इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोवर्स हमारे विराट भैया के हैं, और हमारे विराट भैया खुद क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फॉलोवर हैं। यहाँ तक कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं, और अभी भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूट्यूब पर इसका आधे में से आधा हिस्सा भी पूरा नहीं किया है। यहाँ तक कि 600 मिलियन फॉलोवर्स में से क्रिस्टियानो रोनाल्डो के यूट्यूब पर 100 मिलियन सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं। जैसे जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सब्सक्राइबर ग्राफ तेजी से बढ़ रहा था, अब ये वैसे ही धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले दिन 24 मिनट के अंदर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे, और आज 1 घंटे में 1 लाख सब्सक्राइबर होने मुश्किल पड़ रहे हैं। लोग बात कर रहे हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो मिस्टर बीस्ट को बहुत जल्दी पीछे छोड़ देंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हाँ, मान लेते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो मिस्टर बीस्ट को सब्सक्राइबर के मामले में पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो मिस्टर बीस्ट से बहुत ज्यादा फेमस हैं, लेकिन उन्हें मिस्टर बीस्ट को पीछे छोड़ने में अभी भी बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि सोशल मीडिया पर 1 मिलियन फैन फॉलोइंग वाले पहले इंसान तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही होंगे। और हाँ, जाते जाते मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इस दुनिया के दूसरे रोनाल्डो कोई और नहीं बल्कि हमारे विराट भैया होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पर अपना एक कमेंट जरूर करना, और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। बाय बाय।